कोडरमा में बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधायक अकेला ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में लग रहे आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि फ्लाइट में टिकट कटाकर कोई भी आ जा सकता है, मैं दिल्ली अपने निजी काम से गया था, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधायक गए थे इरफान भाई के, जो हमारे माननीय विधायक जामताड़ा जी थे, उनके पिताजी की तबीयत खराब थी और उन्होंने हमको कहा कि भाई चलना है, दिल्ली चलना है। और पिताजी की तबीयत वेदांता में वो भर्ती थे और उनको आना था, इसलिए हम लोग तीन विधायक और मैंने, खास करके मैं बता दूं कि मैं चौपारण में था तो मैंने अमित को कहा कि बेटा हमारा टिकट भी कटा देना। और हम लोग स्वीकार करते हैं कि हम लोग दिल्ली गए थे और अपने अपने काम करके दूसरे दिन ही हम लोग इरफान अंसारी जी के पिताजी 2 घंटा पहले आए और 2 घंटा के बाद हम लोग आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जिस प्रकार से कहा गया कि भाई आप लोग गिरा रहे थे, तो हम लोग तो सरकार गिराने में है नहीं, हम लोग तो सरकार के 5 सालों तक दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग ने गठबंधन की सरकार बनाई। पार्टी में कांग्रेस में ऑल इज वेल है और जो भी आरोप लगाया जाता है वो निराधार है और वो मनगढ़ंत है। ये आरोप हमें तो लगता है विपक्षी पार्टियों का ये चाल है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब पुलिस पदाधिकारी उस पर संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता पुलिस पदाधिकारियों को धमकाने का काम कर